नामांकन को लेकर आपका नया ट्वीट आया है। मैं पहले भी कहा था प्रस्तावित, और मैं पहले भी दो बात कहा हूँ और आज भी दो ही बात पर आ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ महागठबंधन मजबूत हो। जिस तरीके से चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे झारखंड के सीएम हो, चाहे कॉमन मैन के जेब में पैसा नहीं होना, यह दुनिया में पहला। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, मैं लालू यादव जी से मैं पुनः एक आग्रह करूंगा, मेरे लिए मेरे हमेशा विपक्ष के नेता से लेके मुख्यमंत्री बनाने से लेके आज तक परिवार के तरह हमने देखा। मैं उनसे आग्रह करूंगा, मैंने पहले भी कहा था, आज भी पुनः कह रहा हूं, मैं भी आपके ही परिवार का हिस्सा हूं। भले आप अपने परिवार में अपने ही दो तीन चार बच्चों को आप परिवार समझिए, लेकिन हमारा ब्रॉडर सेंस हमेशा रहा है। पहले भी हम जब जब लालू प्रसाद यादव जी परिवार संकट में हुए हैं, मैं नैतिक रूप से इन्हें शारीरिक मानसिक सभी तरह से खड़ा रहा हूं। पूर्णिया से मेरा रिश्ता कंप्लीट जीवन और मौत का है। पूर्णिया से मेरे रिश्ते को कोई भी अलग नहीं कर सकता, ये बात मैं बार बार दोहराता हूं। मेरे लिए मीटर मधेपुरा सुपौल या गठबंधन की राजनीति व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं है। अलग बात है कि मैं गठबंधन की राजनीति में आज देश फंसे हुई है, खास तौर पर हिंदी पट्टी में सब लोग जाति धर्म मजहब के सहारे नैया पार लगाना चाहते हैं। मेरे लिए पूर्णिया में पूर्णिया की जो आवाम है, पूर्णिया की जो माँ और बेटी है, बहनें हैं और युवा है, और जो गरीब लोग हैं, कॉमन लोग हैं, जो पूर्णिया में हर तरह की व्यवस्था से आज़ादी चाहते हैं, वही मेरा भगवान है और वही मेरी जिंदगी है। यहाँ आज तक हमें किसी गठबंधन, किसी जाति धर्म और मजहब का आधार बना करके कभी मैंने चुनाव न देखा, न पूर्णिया वाले ने मेरे साथ देखा। हम आग्रह करेंगे सबसे, हम तो सबसे आशीर्वाद मांगे, और पुनः आग्रह मैंने लालू यादव जी से किया है कि एनडीए को मजबूत नहीं हम लोग करें, हम लोग इंडिया गठबंधन कोसी सीमांचल मिथिलांचल में हम लोग अधिक से अधिक सीट को जीतने का प्रयास करें, और इसके लिए पूर्णिया निश्चित रूप से केंद्र बिंदु है। पूर्णिया को महसूस करें वो, थोपे नहीं, पूर्णिया के जनता को समझें। और मैं बता दूं कि पूर्णिया की जनता किसी की गुलाम नहीं है। दिल्ली पटना की राजनीति से बहुत दूर है, और पूर्णिया की जनता अपने बेटे से प्यार करती है, दिल्ली पटना में रहने वालों से नहीं। इसीलिए हम एक आग्रह अपील हाथ जोड़कर कि मैं भी आपका हिस्सा हूं, और मेरा घर भी तो पूर्णिया कोसी सीमांचल ही है ना। मुझे कोई आंख दिखा के मेरे घर से, और मुझे जात पात के आधार पर मेरे घर से कोई ठेकेदार यदि जात पात और हिंदू मुसलमान बन गए, तो उन्हें पूर्णिया की जनता उस ठेकेदारी को इस बार खत्म करेगी, हमेशा पहले भी खत्म किया।
हर आदमी जीना चाहता है। मैं, किनके ऊपर है सर? मैं बहुत साफ हूं कि मैं अपील हाथ जोड़ के कर रहा हूं, लेकिन कोई हमें, मैं अनुग्रही हूं, मैं विनम्र भी हूं, शालीन भी हूं, पैर भी पकड़ना जानता हूं, वो मेरे संस्कार है। मैं आग्रह करूंगा मेरे संस्कार को कमजोरी ना समझ। मेरी कमजोरी नहीं हो सकती, इसीलिए मैं चाहता हूं इन दिया गठबंधन की हर सीट जीते, देश में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जो सिर्फ देश, संविधान, लोकतंत्र और जनता को अपना भगवान समझती है, और जनता की इकोनॉमी के लिए सिर्फ किसानों की बात करती है। इसीलिए हम लोग संकल्पित हैं राहुल गांधी जी, इस देश के जिसके भीतर एक जज्बा है, इमोशंस हैं, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, जो बदलना चाहते हैं, जो बदलाव देखना चाहते हैं, और उस संकल्प के लिए हम पुनः उस पर खड़े हैं। हमें अपने दल पर और खास तौर पर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पर मुझे भरोसा है। मैं जानता हूं कि बिहार में कुछ लोग दल को मजबूत नहीं होने देखना चाहते, वो हमेशा पीठ में खंजर भोंकते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि मेरा कसूर क्या है कि मैं पूर्णिया में लगातार अपने परिवार के बीच हूँ, या देश, संविधान और आम जनता की आवाज के लिए राहुल जी और प्रियंका जी के साथ एक हमें विश्वास मिला है। ये जरा हमें बिहार के नेता बता दें कि पप्पू यादव का क्या कसूर है? आप घर में सोते रहते हैं, मैं बाढ़ में आपकी मदद करता हूँ। आप कोरोना के डर से भागे रहते हैं, मैं आपकी मदद करता हूँ, जनता की मदद करता हूँ। कसूर क्या? हर तरह के संकट में मैं आपके हित का काम करता हूँ, बस यही कसूर है कि मैं सबकी सेवा करता हूँ और आप लोगों की तरह जात पात हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ। मेरे लिए हर जाति के लोग मेरा परिवार है, मेरा खून है, मेरी कोई जाति नहीं है। मैं इंसान हूँ और इंसान ही रहूँगा, मुझे कोई जाति नहीं बनना है। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे चलते गठबंधन पर कोई बात आए। मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही, पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूँ, इसीलिए हमने 4 तारीख को नेता के, अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। हम देश भर के उन लोगों से अपील करते हैं, बिहार के हर दल के लोगों से, कि बिहार को मजबूत और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप सब लोग मेरा साथ दें। 4 तारीख को आप आशीर्वाद देने आए और आप आएंगे तो मुझे महसूस होगा कि जिन लोगों ने जबरदस्ती पीठ में खंजर भोंकने का प्रयास लगातार कर रहे और बिना कसूर के
हमें हमारे घर से बेदखल करना चाहते हैं वो सही नहीं है। मधेपुरा की जनता मेरे लिए मेरा गांव और घर है, लेकिन उन्हें पता है कि पूर्णिया में वो साल भर से काम कर रहे हैं। मेरे लिए मधेपुरा हो, सुपौल हो, खगड़िया हो, जो लोग आज बोल रहे हैं कि आप मधेपुरा चले जाइए, कभी कहेंगे सुपौल चले जाइए, कभी बोलेंगे अररिया चले जाइए, खगड़िया चले जाइए, बगला ये डगरा का बैगन कितना है क्या। इसीलिए पूर्णिया मेरी जिंदगी, मरना यहाँ, जीना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ, इसके अलावा कोई मतलब नहीं। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का लगातार प्रयास करूँगा, लेकिन चुनाव पूर्णिया से बाहर नहीं लड़ूंगा। लेकिन कल महागठबंधन की एक बैठक थी जिसमें कांग्रेस भी थे, सभी ने एक स्वर से कहा कि बीमा भारती कैंडिडेट है और उन्हीं को महागठबंधन सपोर्ट करेगा। मैंने बता दिया, मुझे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का विश्वास और उनका जो आदेश है वो सर्वोपरि है। क्या कुछ बात हुई है? मैंने कहा उसका आदेश सर्वोपरि है, और जब मैं दल में हूँ तो निश्चित रूप से संवाद तो होती होगी ना। लेकिन अब तो कांग्रेस भी कह रही है कि पूर्णिया राजद दे दिया गया। कांग्रेस कह रही है तो आप जानिए ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कौन क्या बोल रहा है मुझे कोई लेना देना। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन प्रथम पूर्णिया की जनता सर्वोपरि है, सेकंड जिस नेतृत्व के विश्वास के साथ मैं खड़ा हूँ, मेरे लिए मंदिर, मस्जिद, काबा, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब वही है। धन्यवाद।